दिया जाएगा, चौदह साल बजाएगा दानदाता के लिए। खिलाड़ियों को उत्साह प्रदान कर रहे हैं, कहते हैं मेरे दोस्त जिंदगी में कभी गम तो कभी खुशी होती है, जिंदगी में कभी गम तो कभी खुशी होती है। ताली वही बजाते हैं खिलाड़ियों के लिए, मेरे हाथों में दम हो गया। मार्को साहब क्या बात आपने पेश कर दिया, प्रश्न भी जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का दिलवाला हो नहीं सकता। जो न बजाए मेरे खिलाड़ियों के लिए ताली, वो खिलाड़ियों का दीवाना हो नहीं सकता। और जी हाँ, इस बार कोई जॉब नहीं, वापसी नहीं कबर था। और स्कोर जब पहुंचा वन आल बराबर, प्रतिनिधि सही बात है। मार्को जी, मनीष का मशीन चला है, कल गुर्जर चले हैं और आकर्षित किया है, इस बार भी इधर खड़ा चुकी है, डिफेंस करने में कबर था। मार्को शहावत एक इस बार चलेंगे और गलती का सब अच्छा बना के डाल दिया ना ग्राउंड बा 900 हेलो माइक सेट करें, सब आइए बराबी जी। हेलो हेलो चेक हेलो सम्मानीय ललन मरावी जी, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा बुलंद आवाज बनाए, योग ठीक है, सिर्फ आवाज में थोड़ा सा वजनदारी दे। सम्मान्य ललन मरावी जी, भले आपका शौक नहीं लगी होगी लेकिन आपसे निवेदन है, काफी अनुभव है आप अच्छे भैया। देखिए मनीष के कलपुर्जे चला है, मनीष का जादू चला है। मार्को जी पूरी तरह से कलपुर्जे चला है, पार्क पर दबाव लगाने अंत में इस बार का सम्मान होगा। मार्को साहब बिल्कुल पट्टी पर था गेंद और उसको तरीका से पिटाई किया गया, वही अपील किया था। यहाँ का बड़ा एक बार देखना होगा, इस बार बैकर के पास गोल का रन डेढ़ ब्लॉक पकड़े गए, अमीश थे वहां पर और यहाँ क्रॉस मार गया है और आ चुका है ग्राम से बाहर और पट के जापा हो चुका है टीडी। और वही यूट्यूब चैनल ये है, नमस्कार। स्कोर 3-4 का भाग था और बेहतर सप्लाई लेकर माइनस और इस बार का तगड़ा प्रहार किया है कबर का। जी हाँ प्रतिजी सही बात है, योश वर्पा जी जो कि 200 रुपये लगाए हैं यूट्यूब चैनल के, काफी माहिर दिखाते हैं यूट्यूब के, में छा गए हैं उनके द्वारा सम्मान सदैव व्यवस्था जी को काटते हुए उन्हें 200 रुपये का ऑफर लगाया। सम्मानित प्यारे नेता जी द्वारा 5,000 का राशि लगाया गया, सम्मान्य प्रदीप पताली के द्वारा 100 रुपये का राशि ट्रेडिंग के लिए। इस तरह के साथ देखिए उतना सुंदर डिफेंस मार्को साहब पूरी तरह से मनीष किया मार्को साहब बिल्कुल जो आपका हो जाए तैयार। खबर कसरे को दूसरा सेट का मुकाबला जी भी फाइनल, पहले से भी फाइनल जी हाँ टेढ़ी बना खबर था और पार्ट हो चुका है 6-3। पहले भी यही नजारा था प्रस्थित जी, स्कोर बोर्ड 6-3 का भाव था, वहां से कवर बदला था और डालमेंट को कौन सोचने के साथ जड़ से ना पर दो और एक कदम कब कर चुका है प्रस्थित जी, 3 से घट चुका है अब 2 कदम पीछे और 2 कदम से आगे चलता हुआ कवर था। सेमी फाइनल पहला सेमी फाइनल दूसरा सेट का मुकाबला, जो भी करना है जितना भी पसीना बहाना है कबर तक को बहाना है क्योंकि अपना रब कर चुका है पहला सेट टेढ़ी। जी हाँ प्रस्थित जी सही बात है मार्को जी, जिस तरह छोटे लाल कुशराम को पूरी तरह से अपने गुल्लू को चलना होगा, मुष्टि को नचाना होगा, पाल को नचाना होगा, यदि सम्मान्य प्यारे नेता जी के 5,000 प्राप्त करना है तो ये देखे समझ लीजिए बाल गुल्लू के हाथ में गेंद है लेकिन इस बार बाबू ने फंसे और अंक वहां बैठे अंक मिला कवर था। आइए मार्को साहब बिल्कुल कोई बात नहीं,
वापस आ जाइए, सटाफट हो जाइए, ग्राउंड के अंदर आ जाइए। विजय निगाह है गेंद पर, स्कोर हो चुका है 8-4, 1/2। बिल्कुल यहां से आपको ग्रो शेर बना होगा, फिर से एक कदम कम होता हुआ अंतर, और टीम का अंतर ज्यादा अंतर नहीं। प्रश्न जी, जी हाँ प्रश्न सही बात है मार्को जी, धनात्मक पर्चे देना होगा, हिम्मत से खेलना होगा तेरी को, क्योंकि 5000 का राशि का, क्योंकि लेकिन इस बार की छपाई के अंदर के बाहर छत में चली गई है, बात मिलेगा कमर था को हैंड का एकदम से दिशा पाई, बाहरी किनारा लगा हाथ का और बाहर चली गई बाउंड्री के बाहर। मार्को साहब बिल्कुल बराबर सपोर्ट आ रहा है कमर था की ओर देखा जाए। प्रश्न जी छह बिल्कुल पूरे दांव पर लगा चुके हैं कि ये सेट अपना राम करना है, और छह को छह बराबर मेहनत झोंकते हुए, और वही लगातार गलती के ऊपर गलती देखने को मिल रहा है टेरी। सही बात है मार्को साहब, यदि बाल नहीं बन पा रही तो निराश करना होगा, निराश नहीं होना होगा, ध्यान पर्चे देना होगा खिलाड़ियों को। सम्मानित प्यारे नेताम जी मैच का आनंद ले रहे हैं, और ये देख सुंदर शॉट अपने छोटे दिखे, लेकिन मनीष का जादू चला, लेकिन बाबू में फंसे, नेट में उलझ गए, अंक मिला कवर्धा को। मार्को साहब कवर्धा का 11 और वही पेड़ी का 5, गिले वन 5.5 चल रहे हैं टेरी बदनाम कमरदा। मार्को जी बेहतर से ट्राई के एक के साथ क्रॉस का है थर्ड बल पर, फिर से मौका बन सकता है, लेकिन मिस रन बहुत लग रहे हैं, बहुत ठीक रखकर जमदार करना होगा। परस्ते जी अन्यथा दूसरा सेट में चढ़ चुका है कमरदा, 12 स्कोर बोर्ड और वही 5 पर अटकी हुई है यहाँ टेढ़ी, और कहीं ना कहीं अब देखना होगा दूसरा सेट उलट पुलट, और टाइम आउट यहाँ आ चुका है टेरी। यह प्रश्न अभी टाइम आउट लिए टेरी के द्वारा खिलाड़ियों के द्वारा, और मंथन किया जा रहा है मार्को जी वास्तव में जो भारी लीड बनाकर चल रहा है कवर्धा, बेस्ट ऑफ 3 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 24 तारीख से गीधा में भी बड़ी मुकाबला है, वहां भी दूर दूर की टीम भाग लेते हैं, आपसे निवेदन है कि आप वहां मुझे साथ देने की कृपा करेंगे, क्योंकि ज्यादा मैं टाइम नहीं दे पाता था मिट्टी में, और अभी तो सहयोग से वापस हुआ था इसलिए देखा तो मैं कहा थोड़ी देर का समय दे दूं और आपसे मुलाकात हुआ। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम दोनों को मुलाकात हुई, और पुनः खेल प्रारंभ होता हुआ मार्को जी आज जोहर से करभेती ग्राम नरदा की तरफ से गुल्लू की टीम के लिए 100 रुपए प्रदान किए हैं, ग्राम नरदा के रहने वाले हैं जोहर सिंह करभेती मिस्त्री, उनकी तरफ से 100 रुपए का राशि प्रदान किए हैं गुल्लू की टीम के लिए। और डीजे कमेंट्री सुनाइए। तो जी हाँ धन्यवाद, सीधा चलते हैं बाजार पर जहां से मुकाबला बड़ी मुकाबला, और कहीं ना कहीं दूसरा सेट पर यहाँ चढ़कर बोल रहा है प्रश्न जी खबर था स्कोर जब पहुंचा 13-6, तो यहाँ गाड़ी की चक्कर को रोकना होगा गुरु, अन्यथा वेस्ट हाफ 3 की ओर बढ़ता हुआ गैप इस बार कारा पर तगड़ा प्रहार किया है, और फाइट आ चुका है टेढ़ी 1 पॉइंट के साथ 7-13। तो जी हाँ मैं आपका निमंत्र स्वीकार कर चुका हूँ प्रश्न जी, लेकिन जो भी सुचकमरी तो होगा राउंड नंबर और गीधा जहाँ पर पूरे भारत के टीम देखने को नजर आते हैं, वहाँ जरूर बिल्कुल हम कमेंट्री बॉक्स पर साझा करेंगे। और एक बार सर्विस मैच जाते हैं सब आगे के साथ लेकर जितना रास्ता हुआ खराब प्रहार यहाँ कवर्धा की ओर से। जी हाँ प्रश्न जी सही बात है मार्को जी, अभी अभी खामोश रहो मेरे दोस्त, वो मंजर भी सामने आएगा, समुंदर भी एक दिन दरिया को ढूंढते हुए आएगा, ये नजारा पेश होगा, देखना पेड़ी भी अभी क्या कर लेगा, लेकिन लोगों को चीखती हुई फाड़ती हुई जिस तरह से किला तैयार किया था गुल्लू ने, उसको भेजती हुई अंकित किया है कवर्धा ने। मार्को साहब अंकों में नजर डाले तो 14-9 का भाग दौर मार्को साहब इस बार बेहतर सप्लाई किया है का पॉइंट ले रहा है गुरु, ये खराब के बाद प्रहार बिल्कुल उल्टा, देखते रहेंगे बिल्कुल भौचकते रहेंगे, सन्नाटा छा गया।
खिलाड़ियों का बता की और प्रस्तुति राज रहा था छह बात मार्को जी बंदूक की गोली कर ये नहीं करना था दुर्गे इसको वो कर गए दूसरा सेट का मुकाबला चलता हुआ मार्को जी जिस तरह से छोटे लाल कुशराम ने बिल्कुल दिखाया है यही अनुभव की तजुर्बा होती है। मैं पहले जिक्र किया था सम्मान्य प्यारे नेता जी के साथी है और वही कर दिखाया है इस बार चलेगा मल्लू होगा लेकिन उसने एक वन हैंड में डिफेंस किया है कबड्डी खिलाड़ी और इस बार मौका है पेशादर के लिए और वही जगह अच्छे सारे चक्कर खेलेगा अंक मिलेगा तेरी को मार्को साहब बिल्कुल अब रणनीति बन चुका है पर आ चुके हैं और टाइम आउट कर चुका है कबर था मिस करेगा गेम को ये टाइम आउट ये नजारा होता है प्रश्न जी कि आपका गेम अगर सेट हो गया तो आप टाइम आउट लीजिए और गेम को मिस कर दीजिए लेकिन 13-16 है नजदीक पहुंच चुका है यहाँ तेरी दूसरा सेट पर प्रश्न जी शुरुआती मार्को जी हमें सुने क्षमा दर्शकों का क्षमान्य धर्मदास जी क्षमान्य संतोष मार्को जी मैं श्याम सिंह प्रस्ते आप सभी के चरण को वंदन करते हुए आप अमूल समय दे रहे हैं तेरी के पावन धरा पावन माटी पर ये ताजमहल की तरह सजा हुआ ग्राउंड पर आप सभी का मैं तहे से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ मार्को जी और अच्छे के फैन इस बार मौका है और जगह में कबर कर जाता और अग लिया है कबर था मार्को साहब प्रस्ते के खिलाड़ी बिल्कुल लेने के चक्कर में कहीं ना कहीं टाइम ले रहे थे बहते समय के आए मार्को करने के साथ दोनों तरफ से धमाका ब्लॉकर द्वारा सैकर द्वारा लावले ड्राइव प्रस्ते जी श्री वाते मार्को जी धीरे धीरे मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए बैठ जाते रहे थे कबर था लेकिन अभी कभी शाप समय है अच्छा डिफेंस काबिला करें इस बार मुल्लू को रोक पाना मुश्किल होगा और महीने के अंत बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए अंक मिलेगा तेरी को मार्को साहब 14-18 चार का अंतर बिल्कुल बोध बोध से खड़ा भर रहा है गुरु बिल्कुल फोक फोक कर ये है यमेश्वर कबाड़ा क्या एक का जो आप पंद्रह लेकिन लगातार दबाव कहीं ना कहीं स्कोर का दबाव बढ़ रहा है प्रस्ते जी सही बात है मार्को जी पत्थर पत्थर का गाड़ी दिखाई होती है पत्थर पत्थर का गाड़ी दिखाई इस बार होती है और शाखा शाखा जब सर दिखाते हैं तो धूल उड़ने लगती है यही नजारा पेश होते हुए और धीरे धीरे 20-14 का भाग और 26 का लीड है मार्को साहब मेरे प्रिय आदरणीय धर्मदास परवाल जी का कहना है जो सुबह से आज इस मैदान पर थे प्रस्ते जी ये हमें अनुमान नहीं आज लग रहा था कि इतने तादाद में हमारा फाइनल अंतिम दिन होगा लेकिन जब से शुरुआत हुआ है प्रस्ते जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे खेल प्रेमी कसर नहीं किए इस मैदान पर और कचा कच भरा हुआ है हमारा स्टेडियम और आज सब खेल प्रेमियों के मुंह से आवाज आ रहा है और वो कह रहे हैं वाह भाई खेल लो और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं प्रस्ते जी सही बात है मार्को जी समस्त दर्शकों का समस्त मैं बहुत से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है इस बार गुल्लू चलेंगे इतने सुंदर डिफेंस मौका है गुल्लू के पास पुणे चलेंगे गुल्लू और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं चोला में दाग लगा दिया है तो खिलाड़ी को भूलेगा नहीं चोला में लगे दाग बिछवाएगा नहीं गुल्लू के द्वारा मार्को साहब 21-16 सर्विस बेहतर सर्विस क्या करेगा कवर था यहाँ पर चुका है और पाँच आ चुका है टेढ़ी
और एक फाइट के साथ एक कदम आगे बढ़ता हुआ 17-21 तो यहाँ चार का अंतरा भी बना हुआ कृष्ण जी शहीद दुर्गेश को छहत्तर का प्रश्न देना होगा। ये पॉइंट बहुत महंगा पड़ा इस बार देखिए दुर्गेश आ नहीं पाए और छोटे लाल क्रस नहीं कर पाए और अंक मिला कवर्धा को 22-17 बिल्कुल खतरा का गलियार यहाँ बनाता हुआ स्टेडियम पर इस बार बाकी के साथ ब्राह्मण को चकमा देती हुई घुमरी को चौकते हुए पॉइंट आया है और 5-18-22 अभी भी चार का अंतर यहाँ पे बिल्कुल करीब संघर्ष करना होगा प्रश्न जी सही बात है मार्को जी बेहतर का पर्चे देना होगा किसी प्रकार का तब दे नहीं रहा था लेकिन कमेंट्री की भाषा को नहीं समझ पा कि प्रश्न क्या बोल रहा है मार्को जी वो जोश में होश हो चुके और जीत का सुगम कह दू या खुशबू कह दू कमर था के पक्ष हो जाते हुए मार्को साहब और वही बूंद बूंद से खड़ा भर रहा है कमर था जानते हैं बिल्कुल फूक फूक कर सही बात है मार्को जी पहले ही बोल चुका था कि चोला में दाग लग चुका है वो भूलेगा नहीं और लेकिन इस बार राज्यपाल और गोपाल के पास मिला के खड़े कर दिया टेढ़ी जीत का खुशबू जीत का सुगंध कवर्धा के पक्ष में जाता हुआ और अभी भी मौका बेस्ट ऑफ थ्री में 5,000 के लिए मार्को साहब हेलो हाँ तो टेढ़ी टीम के लिए एक रफर आफर आया है यहाँ पर आनंदी ध्रुवे के लिए आनंदी ध्रुवे की तरफ से 100 रुपए से नवाजा जाएगा टेढ़ी टीम को आनंदी ध्रुवे नरदहावाल की तरफ से लीजिए समस्त दानदाताओं को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत।